फिर आप लोगों के लिए एक नया गिव अवे लेकर आई हूँ। मेक श्योर आप मेरा दूसरा चैनल सुपर ब्यूटी उसको जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले हफ्ते में एक ऑसम सा वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें 10 15 20 लकी विनर्स हो सकते हैं, आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स आप जीत सकते हो, तो डू स्टे ट्यून। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे सुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ फर्स्ट थर्ड फोर्थ एक्चुअली 4-5 बार मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर चुकी हूँ, तो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मामाअर्थ का न्यूली लॉन्च्ड माइसिला वाटर फोमिंग मेकअप रिमूवर विद रोज वाटर एंड ग्लाइकोलिक एसिड। सो दिस साउंड्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड फैंसी। इसका पूरा डेमो एंड एवरीथिंग सारी चीजें देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एक्चुअली ये मेकअप रिमूवर है, क्लेंजर है, फेस वॉश है, एक्सफोलिएट है, ये क्या है? द थिंग इज कि आई नो आप भी गिल्टी हो गए, इस बात के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना यार मुझे। कई बार हम जब मेकअप करते हैं रात को बिना मेकअप रिमूव करे सो जाते हैं, विच इज वेरी बैड फॉर आवर स्किन, बट कई बार आलस में हम ऐसा कर देते हैं। तो क्यों आलस आता है कि पहले मेकअप रिमूव करो, कॉटन वाइप्स, ये वो, एंड देन यू वॉश योर फेस, फेस वॉश करने के लिए और 4 स्टेप्स। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक 3-in-1 स्टेप है जहां पर आपको फोम भी मिलेगी, फेस वॉश की तरह भी काम करेगा, एक्सफोलिएशन भी होगी, साथ में मेकअप रिमूव भी एक ही स्टेप से। तो दिस एक्चुअली सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट आल्सो, जिसके लिए हम हमेशा चाहते हैं। तो ये माइसिला फोमिंग मेकअप क्लेंजर ये इस तरह से कार्टन पैकेजिंग में आता है। इस पे क्लेम्स हैं कि ये अच्छे से मेकअप को रिमूव करता है, थोड़ी जेंटली एक्सफोलिएशन करता है बिकॉज इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। ये देखिए इसमें साथ में एक टूल आता है, सिलिकॉन ब्रश आता है, विच इज लाइक आप इसका कवर भी आता है, ये इसका कवर है, इससे आप फोम निकाल सकते हैं। लेट मी शो यू, ये देखो ये फोम निकलती है। तो गाइज यहां पर मैं आपके साथ डेमो शेयर कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी यहां पर मैंने भर भर के मेकअप कर रखा है, हाइलाइटर और बहुत सारी फाउंडेशन, ब्लू कलर का लाइनर जान के लगाया क्योंकि वो स्टेन करता है, थोड़ा सा मस्कारा है, लिक्विड लिपस्टिक है जो कि किस प्रूफ मतलब ट्रांसफर प्रूफ है। आई एम पर्सनली नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ फोमिंग क्लेंजर्स बिकॉज मुझे ऐसा लगता है फोम से बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्ट होता है, बट अगर ये 3-4 पंप्स में काम करता है तो नॉट अ बैड बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग 3-4 फंक्शंस इससे हो रहे हैं 2-3 प्रोडक्ट्स के। सो लेट्स सी, अब यहां पर मैंने अच्छे से जेनरसली फोमिंग फोम इसका ऐसे क्लिक करा, प्रेस करा, नाउ फेस पे लगा दिया। नाउ आई एक्चुअली जो मुझे यहां पर बहुत अच्छी बात लगी वॉज द स्मेल ऑफ इट। यहां पर मुझे खुशबू अच्छी लग रही है, लेकिन वीडियो में बने रहिए बिकॉज अभी ये खुशबू बदल जाएगी। जो इसका सिलिकॉन ब्रश है इट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, दिखने में आपको लग सकता है कि ब्रश ब्रश है बट इट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, और उससे मैं हल्का सा अपने फेस पे मसाज टाइप कर रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेकअप भी रिमूव हो रहा है आईज पे, अभी आईज पे भी करूंगी या क्लिप स्टार्ट हो गई होगी। लिपस्टिक आपने देखा अच्छे से रिमूव हो रही है, यू कैन सी द ब्रश द ब्रिसल्स, पूरा मेकअप उतर कर आ रहा है। सो दिस श्योरली वर्क्स एज अ मेकअप क्लेंजर एंड अ फोमिंग फेस वॉश एज वेल। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ग्लाइकोलिक एसिड है वो एक माइल्ड एक्सफोलिएंट का काम करता है, मतलब जो हमारे डीप पेनिट्रेटेड डर्ट होता है स्किन सेल्स में वो सारी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और माइल्ड बिल्कुल हल्की एक्सफोलिएशन करता है। तो जितने लोगों की एक्ने प्रोन स्किन है, दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं, वो ये फोमिंग फेस वॉश डेफिनेटली माइसिला वाटर मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं, तो आपके दाने भी जो हैं वो ठीक होते जाएंगे। बट अगर बहुत ज्यादा कटे हुए दाने हैं, जैसे वो एक्सपोज्ड हैं, खून निकल रहा है या पस पड़ी हुई है, तब आप ये ग्लाइकोलिक एसिड वाला ना यूज करें। सेंसिटिव स्किन वाले पहले पैच टेस्ट कर लीजिए, अदरवाइज इट इज एक्सट्रीमली गुड। लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, साथ में पैराबिन SLS फ्री है, मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स सारे स्किन टाइप्स को सूट इसीलिए करते हैं बिकॉज डर्मैट के थ्रू टेस्टेड होते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स पे अगर मैं ध्यान दूं तो ऑफकोर्स ग्लाइकोलिक एसिड है। एक मुझे प्रॉब्लम है कि ये मतलब बिल्कुल माइल्ड है, आई नो यू कैन सी कि बहुत अच्छे से मैं इसको, इतना माइल्ड है कि मैं इसको आईज पे भी, अब आई का मेकअप रिमूव करके दिखा रही हूँ, मेरे को ना चाहे कितना भी, चाहे मैं बेबी शैम्पू बेबी फेस वॉश भी यूज करूं, मैं हमेशा आंखें ऐसे बंद कर लेती हूँ, मैं थोड़ी सी सेंसिटिव है मेरी आईज। अगर आपकी भी सेंसिटिव है तो यहां पर मैं पूरा आपको प्रूफ दे रही हूं कि बिकॉज मैंने ये अपने आईज पे अच्छे से कराया डर डर के, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही थी, तो इट इज अ गुड थिंग। बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर ये अपने आईज पे, ऑब्वियसली आईज पे भी यूज करना बिकॉज नॉर्मली आई मेकअप रिमूवर लिप मेकअप रिमूवर अलग 2-3 स्टेप टीडियस हो जाता है, तो आप अपने आईज पे भी इसको यूज करोगे, लेकिन उसके बाद आंखें खोलना मत मेरी तरह जैसे मैं बड़ी दबंग होके खोल रही हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। सो आई डू नॉट आई मीन ठीक है इस पे लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं कहूंगी आप अपनी आंखें बंद करके इसको क्लीन। यहां पर मैं अपना फेस वॉश कर आ गई हूँ। ऑब्वियसली अब एक्सफोलिएशन, फेस वॉश, मेकअप रिमूवर तीनों स्टेप्स मेरे इसी से हो गए हैं, एंड द थिंग इज कि ये बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली आगे आपने सेरम लोशन जो भी आप क्रीम मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो तो लगाएंगे, लेकिन द थिंग इज जो एक स्किन खिंची खिंचाव सा फील होता है ना,
वो नहीं फील हो रहा, माय स्किन फील सॉफ्ट। अगर मैं आपको एक वर्डिक्ट दूं तो मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। जैसे इसमें जो इट डज द जॉब वेरी वेल, 3 in 1 प्रोडक्ट है, हैसल फ्री है, हमारा जो एनर्जी है उसको बचाता है, एफर्ट सेव करता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ममार्थ ने मुझे 1 minute चैलेंज दिया जिसमें मैं वाटरप्रूफ मेकअप कुछ भी बहुत आराम से रिमूव कर लूंगी, और मैं ये चैलेंज 1 minute का आपको भी दे रही हूं। अगर आप ट्राई करते हो नीचे कमेंट्स करके बताना कि 1 minute में वाटरप्रूफ मेकअप भी रिमूव होता है नहीं होता। बाकी प्रूफ यूज करने के बाद इसके सिलिकॉन ब्रश को वॉश करना बहुत आसान है, यू कैन सी ऑल द मेकअप ऑन इट। इसको नॉर्मल टैप वाटर के नीचे रन थ्रू कर लो, और ये जो आप सिलिकॉन ब्रश देख रहे हैं ना, इसको आप डिटैच मतलब अलग करके अलग से भी धो सकते हो, विनेगर हाफ विनेगर हाफ वाटर से, एंड ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। उसके बाद आप इसको कवर करके रख दो, जो साथ में कवर आता है। एक मुझे थोड़ा सा कॉर्न लगा तो वो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ। I'm going to be very honest about it, कि जो इसमें रोज वाली फ्रेग्रेंस आई थी वो मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लगी। हालांकि मुझे भी पता है बिकॉज आई एम अ फॉर्मुलेटर, सो जब हम चीजें बहुत ही नेचुरल कम हार्शफुल केमिकल्स नहीं डालते तो विद टाइम उसकी खुशबू वगैरह चेंज होने लगती है, थोड़ी सी कलर भी चेंज होता हो जाता है, विच इज फाइन। तो जब मैंने ये स्टार्ट करा था यूज करना तो बड़ी प्लेजेंट खुशबू थी रोज की, ठीक है, रोजेज वाली। लेकिन आई थिंक जो ये जब प्रोडक्ट मेरे मेकअप के साथ, क्योंकि मेकअप फाउंडेशन कंसीलर ये सारी चीजें जब उतरी, मुझे ऐसा लगता है उसके साथ ये नेचुरल चीजें रिएक्ट करके थोड़ी सी अनप्लेजेंट स्मेल आने लग गई। जैसे हेयर रिमूवल क्रीम्स होती है ना, एन फ्रेंच, मुझे याद है बचपन में बहुत छोटी थी मैं, मेरी मम्मी यूज करती थी, तो मुझे थोड़ी सी वैसी हल्की सी स्मेल आने लगी, विच इज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है। कुछ लोगों को बर्दाश्त हो सकती है बट पर्सनली मुझे नहीं अच्छी लगी। ममाअर्थ वाले इफ दे आर वॉचिंग माई वीडियो, दे शुड रियली टेक दीज थिंग्स इन दिस थिंग इन टू कंसिडरेशन। तो कहूंगी इफ यू वॉन्ट टू ट्राई तो डेफिनेटली, मैंने 4 से 5 बार ट्राई करा है। क्वांटिटी आती है वो है अराउंड 150 ml है, 399 rupees का है। मेरा कोड ऑफकोर्स आप यूज करेंगे तो नीचे यहां पर मैं दे रही हूँ JSuper2020, एंड दैट इज, अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ममाअर्थ की वेबसाइट पे ही काम करता है, तो वहां पर अगर आप डायरेक्टली लेंगे तो 20% ऑफ, मतलब 400 रुपए की चीज है जो आपको 320 rupees की अराउंड पड़ेगी। एंड नाइका, अमेजोन, हर जगह पे लिंक्स अवेलेबल है, नीचे मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बार में दूंगी, बट मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो वाला लिंक, जो सा लिंक सबसे ऊपर दूंगी ना डिस्काउंट वाला, वो वाला क्लिक करना लास्ट में, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन, बिकॉज ये विच हेजल के साथ है रोज वाटर, दैट्स व्हाई आई ट्राइड इट। तो मैंने क्या करा, अब जैसे मैंने ये क्लीन कर लिया ना, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं यूज करना है, सीधा टोनर यूज करना है, तो ये यहां पर मैं टोनर यूज कर रही हूँ, एज यू कैन सी इन द फुटेज। एंड या विच हेजल इज एक्सट्रीमली गुड फॉर यू नो एक्ने प्रोन स्किन, पिगमेंटेशन है या कुछ भी है, दाग धब्बे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से और किसी भी ब्रांड के न्यू लॉन्चेस देखने हैं, उनका रिव्यू की खरीदने चाहिए या नहीं, डू लेट मी नो। इफ यू ट्राई इट तो नीचे मुझे कमेंट्स करके बताना। गिव अवे के लिए तैयार रहना, इंस्टाग्राम jsuper.com पे मुझे जरूर फॉलो करना, मतलब वहां पे मैं एक्स्ट्रा गिव अवेज भी लेकर आती रहती हूँ। एंड या दैट्स इट, आई एम गोना टेक योर लीव नाउ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।